नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद एमएन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सीजी ओपन स्कूल के आपके पेपर चल रहे हैं जो कि ओपन बुक पद्धति से लिए जा रहे हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे क्लास ट्वेल्थ का, ठीक है दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। ए टू जेड पूरा सॉल्यूशन है आपका, एक क्वेश्चन से जितना भी लास्ट वाला क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप ना करें, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के फुल सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के हम वीडियो लाते हैं फुल सॉल्यूशन की, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी फिजिक्स की जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताया था दोस्तों। मैंने उसमें कहा था कि आप अगर 50 लाइक कर देंगे कंप्लीट तो आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों फुल सॉल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं, देखिए पहले क्वेश्चन आ है, पहले का आंसर है किसी पिंड के गति के अध्ययन का प्रारंभिक क्षण, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा mL2T inverse 2, ठीक है। तीसरे में दोस्तों बल का ही मतलब पूछा गया था, तो बल का ही मतलब होता है न्यूटन, ठीक है। और चौथे का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, चौथे क्वेश्चन के यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, विद्युत चुंबकीय यहाँ पर लिखा हुआ भी है। फिर आएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब आएगा हमारा सातवें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, सातवां ये 2m/π, ठीक है। फिर आता है बैगनी, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा नवे का आंसर रहेगा शुद्ध सिलिकॉन में गैलियम, ठीक है। फिर आता है 1.66 × 10^21 किलोग्राम। फिर देखिए दोस्तों अब आता है प्रश्न क्रमांक एक का, 2 नंबर का। तो पहला भी क्या है दोस्तों क्लियर नहीं है, इसलिए मैं नहीं अब आपको बता रहा हूँ। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूँ जिससे सभी स्टूडेंटों को पता चल पाए, ठीक है। दूसरे का आपका अनंत होगा, तीसरे का होगा आपका एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। फिर देखिए चौथे का आएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन और 5वें में आएगा आपका समभारक, यानी कि जिनके भार समान होते हैं उन्हें हम समभारक बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक, हेलो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराए मत, सबका सॉल्यूशन डाउट नॉट। दोस्तों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन की फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट अटैप पर। या फिर कोई भी कोर्स का सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी सर, GB सर, NG सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर, यानी पूरी पढ़ाई अब डाउटनट ऐप पर है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। दोबारा है चाल और दूरी में अंतर, तो दोस्तों मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देखिए दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, ठीक है, और क्या है विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। चाल अदिश राशि है और वेग क्या है सदिश राशि है। गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं होती, और गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है जब विस्थापन शून्य हो, ठीक है। दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा या दिशा परिवर्तन के कारण हो सकता है। तो क्लियर होगा क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने पढ़ के आपको बता दिया है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा है, तीसरे क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर है एक लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल लगाकर पृष्ठ तनाव के कारण चलता है, किस कारण दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे का आंसर यहाँ पर दिया गया है, देखिए किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की हुई मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन यानी कि चेंज ऑफ स्टेट के समय अवशोषित की जाती है, मुक्त की जाती है। इसके अलावा पदार्थ जब अपनी कला या फेज बदलते हैं तब भी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का आदान प्रदान करना पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तीन प्रतिरोध थे R1, R2 और R3, तो इन्हें क्या है जोड़ा गया था, तो इनका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना था। देखिए R1 का मान था 2 ओम, R2 4 ओम और R3 5 ओम था, ठीक है। तो सिंपल इनको आपको फॉर्मूला लगा देना है, प्रतिरोध को आपको क्या समांतर क्या क्रम में जोड़ना था, समांतर में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर क्या होगा R1 R2 R3, अगर सीढ़ी क्रम में जोड़ते तो R बराबर होता दोस्तों हमारा R1 + R2 + R3, लेकिन यहाँ पर समांतर, इसलिए इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, R1 की जगह R1 का मान रखेंगे, ठीक है, R2 की जगह R2 और R3 की जगह R3, तो यहाँ पर आप LCM ले लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपका क्या आएगा जो R का मान आएगा दोस्तों 20/19 आ जाएगा, ठीक है।
तो ओ 20 और 19 ओम आपका आंसर आ चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा एंड गेट क्या है, लॉजिक प्रतीक बूलियन पद विद्युत परिपथता सत्यता सारणी बनाइए। देखिए एंड गेट में दो या दो से अधिक क्या होते हैं, निविष्ट सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है। तो लॉजिक प्रतीक यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका एंड गेट है, ठीक है, ये आपका लॉजिक प्रतीक हो गया, ठीक है। तो बुलियन पद, ठीक है, तो बुलियन पद यदि नंद गेट में ए और बी निवेशी सिग्नल का निर्गत सिग्नल वाई है तो वाई बराबर ए इंटू बी होता है, ठीक है। ये हमारे इनपुट सिग्नल है, ये हमारा आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सत्यता सारणी इस तरीके से बनानी है आपको, या अगर यहाँ पर 0 0 है यहाँ पर 0 रहेगा, सत्य सारणी आपको नोट कर लेनी है टोटल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिर देखिए निम्न को समझाए, इंटरनेट को दोस्तों हमें समझाना था ओनली, तो इंटरनेट देख लीजिए, यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह है। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसका सदस्य पूरे विश्व के किसी अन्य सदस्य से बातचीत कर सकता है तथा सूचनाएं और जानकारियां प्राप्त कर सकता है। ईमेल भी दिया गया है, ईमेल पूछा गया हो तो लिख सकते हैं। तो देखिए रूपक बल के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रत्यास्थ वस्तुएं, प्रश्न क्रमांक 8 है। तो प्रत्यास्थ वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर विद्युत भाग बलों पर उनकी लंबाई आयतन आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, किंतु बल को हटा लेने पर वह पूर्णता पूर्व की अवस्था में आ जाती हैं या पूर्व अवस्था में आ जाती हैं, जैसे कि लोहा चांदी इस्पात क्वार्ट्ज आदि प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। प्राथमिक सुघट्य वस्तुएं जिसे आप प्लास्टिक वस्तुएं भी कहते हैं, तो सुघट्य या प्लास्टिक वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर रूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई आयतन आकृति में कुछ परिवर्तन आ जाता है, किंतु बल को हटा लेने पर भी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती, जैसे कि साबुन गीली मिट्टी मोम आदि, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों फिर आता है लास्ट आती है हमारी भंगुर वस्तुएं। तो भंगुर वस्तुएं होती हैं दोस्तों, भंगुर वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो रूपक बल लगाने पर टूट जाती हैं, जैसे कांच का टुकड़ा सूखी मिट्टी आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर आता है धारा रेखीय प्रवाह और विद्युत प्रवाह में अंतर लिखना आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट दो अंतर आपको देखने को मिल रहे होंगे। इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण क्या है, वेग वही रहता है और प्रत्येक कण आगे जाने वाले कल का पथ अनुगामी होता है। इस देखिए दोस्तों आप नोट कर लीजिए, प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर है, ये आपका सेकंड पॉइंट अंतर हो जाएगा। थर्ड है, ठीक है, थर्ड है इस प्रभाव में कणों का वेग सरल रेखीय वक्री होता है और प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब तथा घनत्व नियत रखते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। फिर आता है दसवां, देखिए 40 डिग्री ताप पर फारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाने समान होते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि फारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने किस ताप पर समान होते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब देखिए 11 में आंसर है सरल आवाद गति की विशेषता लिखनी है। तो देखिए पहली है सरल आवाद गति साम स्थिति के दोनों ओर अपनी गति बार बार दोहराती है और प्रत्यानंद बल साम स्थिति में कल के विस्थापन के समानुपाती विपरीत दिशा में होता है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है विद्युत उद्योग के कारण निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजकघात कीजिए। तो दोस्तों ये आपकी निरक्षी स्थिति है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा आपको इसी तरीके से नोट कर लेना है दोस्तों, ये आपका निरक्षी स्थिति है, सेम टू सेम आपको नोट कर लेना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। फिर देखिए ये आपको पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध स्थापित कीजिए। इसके अथवा में आ सकता है कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र कहते हैं। यह सूत्र निम्न होता है 1/U + 1/V बराबर होता है 1/F, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसके बारे में आपको इस तरीके से लिखना है XY, माना XY एक दर्पण है, इस तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है, तो आपको दर्पण सूत्र लास्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसी प्रकार का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चाहते हैं, बायोलॉजी का चाहते हैं, अन्य सब्जेक्टों का चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। प्रथम मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो एक मोल ठोस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 14 में था, तो देखिए CP और CV में संबंध बताना था दोस्तों, यहाँ पर देखिए सॉल्व कर दिया गया है CP और CV में संबंध, देखिए पूरा का पूरा आपका एंथैल्पी आधार समीकरण से संबंधित है, इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व कर लेना है और यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा CP - CV बराबर K, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रथम 15 में परिभाषा देने हैं सीमांत घर्षण की। तो सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए गलती व्याख्या करनी है तो यहाँ पर देखिए गलती व्याख्या आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे ही वीडियो कॉल बड़ी हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट कर लेना है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पूरा पूरा, ये आपका फ्रेश सरल सूक्ष्मदर्शी। तो ये देख सकते हैं आवादन क्षमता के लिए व्यंजकघात करना क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इस तरीके से आपको व्यंजकघात करना है आवादन क्षमता के लिए, ठीक है।
इस तरीके से पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको कर देना है। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट तक किसी इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 17 में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, माना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम उस पर आवेश ई विभवांतर वी द्वारा विराम अवस्था से तुरंत होने पर उसका वेग वी हो जाता है, तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर है। फिर आता है नेक्स्ट, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए एवं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को परिभाषित कर इसका मान व मात्रा बताइए। तो यहाँ पर देखिए, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। यह है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। फिर इसके लिए व्यंजकगत करना है तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आपको नोट करके लिख लेना है। ठीक है, यह है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन है। फिर है परिणाम अनुपात अनुनाद की स्थिति में, इस तरीके से आपको कर लेना है। फिर आता है परिणामी वोल्टता, तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, नोट करते चलिए सभी क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। ये आपका देखिए प्रतिबाधा के लिए व्यंजक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, प्रतिबाधा के लिए आपके लिए व्यंजक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपका धारा के लिए व्यंजक आ जाएगा। ठीक है, धारा आयाम के लिए परिणाम अनुपात ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने केमिस्ट्री हिंदी बायोलॉजी इंग्लिश का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।